आजकल व्यस्तता के चलते हम कुछ चीजें स्टोर करते हैं फ्रिज में, जैसे ब्रेड ज्यादा लाकर रख ली, या सुबह देर ना हो इसलिए रात को आटा गूंद लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हम सब के लिए हानिकारक है? क्या आप जानते हैं कि फ्रिज की किरणें आटे में प्रवेश कर उसे खराब करती हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान दें, कहीं आप इन चीजों को फ्रिज में तो नहीं रख रहे। आइए जानते हैं उन 10 चीजों के बारे में जो फ्रिज में रख कर उपयोग में लाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। शहद। कई लोग शहद को भी फ्रिज में स्टोर करते हैं, जबकि ऐसा करना हानिकारक हो सकता है। शहद में हाई एसिडिक लेवल होता है और पानी का लेवल कम होता है। फ्रिज में इसे रखने से ये और जम जाता है और चीनी जैसा सफेद दिखने लगता है। टमाटर। वैज्ञानिक दृष्टि से टमाटर सब्जी नहीं बल्कि फल है और इसे ढेर सारे पानी और धूप की जरूरत पड़ती है। टमाटर धूप में उगने वाला फल है। अधिकतर लोग टमाटर को फ्रिज में रखने की गलती करते हैं। मौसम ठंडा होने पर ये ठीक से उग नहीं पाता, इसी तरह फ्रिज में रखने पर ये जल्द ही गल जाता है। केला। केला भी फ्रिज में रखने पर बहुत जल्द काला पड़ जाता है। इसकी डंडी में से इथाइलीन गैस निकलती है, जो आसपास के फलों को भी जल्दी पका देती है। इससे बचने के लिए केले की डंडी पर प्लास्टिक चढ़ा सकते हैं। इससे केला और उसके आसपास रखे फल लंबे समय तक ताजा रह सकते हैं। सेब। बीज वाले फल जैसे आलू बुखारा और चेरी को भी फ्रिज में न रखें। कम तापमान में इनमें मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और फल जल्दी पक जाता है। सेब को अगर फ्रिज में रखना ही चाहते हैं तो कागज में लपेट कर नीचे फल सब्जी के लिए बने शेल्फ में ही रखें। नींबू। फ्रिज में रखने से नींबू और संतरे का रस सूखने लगता है। साइट्रिक एसिड वाले फल फ्रिज की ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनके छिलके पर दाग पड़ने लगते हैं और स्वाद पर भी असर होता है। तरबूज। खीरा, तरबूज और खरबूजा में भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्रिज में रखने पर खराब हो सकते हैं। इन फलों को खाने से कुछ देर पहले ही फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखें। काटने के बाद तो तरबूज और खरबूज को फ्रिज में रखना ही होगा, लेकिन उससे पहले ऐसा ना करें। आलू। आलू को धूप से दूर रखना चाहिए। इसके लिए घर में ही कोई ठंडी जगह ढूंढें और प्लास्टिक की थैली से निकाल कर रखें, ताकि आलू सांस ले सके। आलू के लिए 45 डिग्री का तापमान सबसे अच्छा है। फ्रिज में रखने से आलू का स्टार्च चीनी में तब्दील हो जाता है और इसके स्वाद पर असर पड़ता है। लहसुन। प्याज की ही तरह लहसुन भी फ्रिज में ना रखें, इससे ये अंकुरित हो जाएगा और ढीला पड़ने लगेगा। लहसुन और प्याज को एक साथ रखा जा सकता है। ध्यान रहे कि इन पर धूप या बहुत ज्यादा रोशनी ना पड़े। ब्रेड। अगर आप पिज्जा, ब्रेड, बर्गर, ब्रेड इत्यादि संभाल कर रखना चाहते हैं तो इन्हें फ्रिज में नहीं बल्कि फ्रीजर में रखें। फ्रिज में रखने से ब्रेड सूख जाती है। प्लास्टिक में लपेट कर फ्रीजर में रखने से उसकी नमी बरकरार रहती है। वैसे तो ब्रेड को 2 या 3 दिन में खा लेना चाहिए, लेकिन खाने से पहले उसे फ्रीजर से निकालकर कुछ देर के लिए बाहर रख दें और फिर टोस्ट करें। और अब 10वां और आखिरी, गुथा हुआ आटा। कहते हैं कि गर्मियों में ताज़ा गुथा हुआ आटा ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब होती हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम फ्रिज में रख देंगे तो उससे वो चीज़ खराब नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप फ्रिज में रखा हुआ आटा इस्तेमाल करने के लिए उसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उसका रंग बदला हुआ देखते हैं। ऐसा फ्रिज की किरणों की वजह से होता है। तो ये थी बेहद ही जरूरी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी अगली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।